हाथ जोड़ के पूरे देशवासी को हमारी तरफ से नमस्कार। हम छोटा सा मोटिवेशनल स्पीकर जो कुछ अपने तरफ से कुछ क्वेश्चन का आंसर या उसको अपने तरफ समझाने का प्रयास करेंगे। जो आप पूरे वीडियो को जो भी बनाएं उसको आप पूरा देखिए, उसके बाद आप समझ पाएंगे कि हम उसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। सर, हमें ये बताइए कि YouTube तो सभी लोग चलाते हैं, लेकिन YouTube पर सभी लोग सक्सेस क्यों नहीं हो पाते हैं सर? देखिए, YouTube चलाने का ये उद्देश्य होना चाहिए कि आप YouTube चला रहे हैं तो सिर्फ पैसा कमाने के उद्देश्य से नहीं, अपने अंदर से जो भी बात निकले या जो भी गुण हैं उसको रखने का प्रयास करें। ये नहीं कि किसी का देखकर आप उसी के साथ अनुसरण करने का प्रयास करेंगे तो YouTube पे कभी सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन हमेशा ध्यान दो कि हम वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या है। अगर वीडियो बनाएं तो बढ़िया तर बनाएं, और जैसे मान लो एक हम लोग भी वीडियो बनाते हैं या छोटा यूट्यूबर बनाता है, उसमें यही अंतर होता है कि हमेशा छोटा यूट्यूबर हमेशा क्या करता है कि अपनी गलतियां अपने पास ही रखता है। गलतियां ये है कि उसको समझने के लिए ओरिजिनल वीडियो डालना चाहिए और अपने अंदर से जो गुण निकलता है या गुण बातें निकलती हैं उसको ध्यान में रखते हुए बनाया जाए। जैसे मान लो एक मूवी बनाने वाला एक ही वीडियो को बनाने के लिए कितना समय लगाता है, कितनी अच्छी तरह बनाता है कि उसमें अपना पूरा जान जहान लगा देता है, क्योंकि 400 करोड़ क्या 300 करोड़ का अपना वीडियो बेचता है जो मूवी बनती है। उसमें छोटे यूट्यूबर क्या होते हैं, जैसे बना वैसे डाल दिए यूट्यूब पे, उसके डालने से ये थोड़ी होता है कि डाल दिए तो हो गया। अरे भाई देखो, इसमें ध्यान दो कि अगर वीडियो बना रहे हैं तो उसमें क्या करना है। देखो, अगर वही वीडियो बनाने वाला है जैसे मूवी बनाते हैं देश में, उसमें मूवी बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये होता है कि अपनी वीडियो के थ्रू देश को निर्देश दिया जाए कि हम कर का रहे हैं या पूरा देश कर का रहा है, देश को करना क्या चाहिए। और उसमें इतना गहराई से बनाया जाता है, इतनी गहराई से बनाया जाता है ना, इतनी गहराई से बनाया जाता है कि आपको देखते देखते इतना इमोशनल कर देगा कि लगेगा कि रियल लाइफ में हो रहा है। उसी को ध्यान देते हुए वीडियो बनाना चाहिए छोटे यूट्यूबर को। ये नहीं कि भैया अगर खुद को गाने नहीं आ रहा है ना तो सामने वाला का देख के गाने का शुरू तो कर दिया, लेकिन वो क्या करेगा उसके बाद, अपना उसका आगे व्यूअर चले जाएंगे, उसको देखने वाले लोग हजारों पड़ जाएंगे लेकिन आपको देखने वाला कोई नहीं पड़ेगा। हमेशा उसके लिए अपने को सही तरीका ढंग से अपनाना चाहिए और उसमें वीडियो डालना चाहिए। ये नहीं कि आए दो दिन चार दिन वीडियो बनाए उसके बाद चले गए। अरे भाई ध्यान दो, अगर एक कार्य करने के लिए हमको कितना मेहनत करना पड़ता है। जैसे मान लो कि आप हमेशा एक कार्य को करने के लिए हमेशा दो दिन चार दिन दस दिन लगता है ना, उसी तरह वीडियो को यूट्यूब को चलाने के लिए हमेशा निरंतर मेहनत करना पड़ेगा। जैसे मान लो जब कोई पहली बार कबूतर खराब पड़ने जाता है उसको एक दिन में तो याद हो नहीं जाता है, क्यों याद कर लिया, चलो भैया हो गया हो गया। इसमें हमेशा ध्यान देना पड़ेगा छोटा यूट्यूबर को कि भाई अपने एक एक पॉइंट को ध्यान दो, एक एक सब्सक्राइबर को ध्यान दो, एक एक व्यूअर को ध्यान दो कि हमारे लिए वो क्या कर रहा है। अरे भाई उसके लिए इतना समय जब नहीं हो सकता है तो क्या कर सकते हैं, अपना हमेशा ध्यान दो कि हमें क्या करना है उसके अनुसार चलना है। और कुछ भी करने से पहले हर एक सब्सक्राइबर हर एक व्यूअर को ध्यान दीजिए जो कि आगे बढ़ सके। आप क्या करते हैं, एक वीडियो में अगर 100 सब्सक्राइबर आपके हो गए, 200 सब्सक्राइबर हो गए तो क्या करते हैं, आपका हौसला टूट जाता है, क्योंकि जब कोई मेहनत करेगा तभी तो आगे बढ़ोगे। ये 100 सब्सक्राइबर हुए, 200 सब्सक्राइबर हुए, दिल तो टूट गया कि भैया अब मेरा होगा ही होगा नहीं। अरे भाई होगा,
तन धीरज रखो, उसके लिए हिम्मत जुटाओ। हिम्मत जुटाने के बाद 1000 सब्सक्राइबर होंगे। अरे 1000 सब्सक्राइबर होंगे, 400 मिनट, उसके लिए 4000 मिनट कोई बड़ा मान्य नहीं रखता, वो भी बड़ा कम पड़ जाएगा। आप अपने दिल से खुल के कोई वीडियो डालेंगे तो। अब वीडियो डालने के लिए हमेशा ध्यान रखो कि खुल के डालो और हौसला को न तोड़ो। 1000 तो ऑटोमेटिक हो ही जाएंगे, आप ध्यान दीजिए उस पर। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हमारे वीडियो को ध्यान देकर देखिए।